वाई डू वी मेक इन्वेस्टमेंट्स? ताकि हमारा और हमारी फैमिली का प्रेजेंट अच्छा हो सके, रहने को अच्छा घर हो सके, खाने को अच्छी ग़िज़ा हो सके, और इसलिए भी ना कि हमारी और हमारी फैमिली का फ्यूचर अच्छा हो सके, ताकि जब कोई बुरे हालात आए, कोई मुसीबत आए, तो हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। पैसे लगाने के बाद भी प्रॉफिट गारंटेड नहीं होता ना, नुकसान भी तो हो सकता है। और बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट आपका हाल और आपका मुस्तकबिल तो अच्छा कर सकती है, लेकिन माजी में गुजरे उन दुख भरे दिनों को नहीं बदल सकती। लेकिन मैं आपको एक ऐसी इन्वेस्टमेंट बताता हूँ जो आपके पास को भी बदल के रख देगी, आपका प्रेजेंट अच्छा कर देगी और आपका फ्यूचर ब्राइट कर देगी। शुड वी टेल देम? और राइट देन, आपके और मेरे प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। ये प्रेजेंट है, उसके 10 गुना मिटा देता है। ये माजी है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है, दैट इज़ फ्यूचर। सो कीप रिसाइडिंग दुरूद पाक एज मच एज यू कैन एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।